अस्सलाम वालेकुम। आई होप आज आप सब खैरियत से। और आज भी हम अपनी फैमिली के साथ निकले, काफी अच्छा रहा माहौल। एक चीज मैंने नोटिस करी है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। इस्लाम के लिए ना बेवजह की नफरत फैली हुई है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग इस्लाम को नहीं जानते वो लोग इस्लाम से नफरत ना करें। आप लोग ऑलरेडी एक इमेज से नफरत करते हैं जो इस्लाम की बनी हुई है। वो जो इमेज है वो इस्लाम नहीं है, इस्लाम अलग है उस इमेज से। इस्लाम काफी अलग है। एक सच्चा मुसलमान, जो मुसलमान की आप एक प्रीडिटरमिंड इमेज बनी हुई है ना, वो अलग है। तो अगर आपके दिमाग में एक चीज है, ये खासकर उन लोगों के लिए वो जो सच्ची में नफरत करते हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैंने महसूस किया है, मैंने हवा में यूं महसूस किया है कि कहाँ से नफरत आती है, कहाँ से मोहब्बत आती है। ये वाइब, एक बोलता है ना वाइब होती है, वो वाइब को जाना है मैंने। इसके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो मुस्लिम्स होते हैं ना, वो इमेज अलग होती है। वो एक आप लोग की जो बनी हुई इमेज होती है वैसे नहीं होती है। सबसे मेन क्वालिटी ना, सबसे मेन क्वालिटी मुस्लिम्स की रहम करना होती है, माफ करना होती है। और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक मुसलमान बनने के लिए। अगर आप ऑलरेडी किसी पर्सन को जानते हो जो मुस्लिम है और उसमें ये सारी क्वालिटीज नहीं है, तो आप पूरे इस्लाम को जज मत कीजिए। जो वर्ल्ड में इंसिडेंट्स हुए वो चंद लोगों के लिए, आप इस्लाम को जज मत कीजिए। आप हर एक मुसलमान को वो इमेज में फिट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हर एक इंसान अलग होता है। किसी का दीन ये नहीं सिखाता है कि किसी पे जाके जुल्म करो, किसी को मारो पीटो, या ये कोई दीन नहीं सिखाता है, और ना ही इस्लाम ये चीज सिखाता है। आप मानो या ना मानो, इस्लाम ने हमेशा, अगर आपको जानना है ना कि इस्लाम कैसा है, तो सिर्फ एक बार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पढ़ के देखना, एक बार कोई आर्टिकल पढ़ के देखना, या एक बार खाली कोई किस्सा रीड करके देख लेना कि हमारे नबी कैसे थे। और जो हमारे नबी को फॉलो करने वाले लोग है ना, वो रियल मुस्लिम्स वो है। तो जो मुस्लिम्स को आप जानते हो और उससे अपने इमेज बना के रखी है ना, उनको लेके सबको जज मत कीजिए प्लीज। सिर्फ ये रिक्वेस्ट थी। एक बार आप सब नफरत करने वालों से रिक्वेस्ट है कि एक बार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से कोई भी किस्सा उठाकर पढ़ लीजिए ना। आपको मोहब्बत हो जाए तो मुझे बताना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, आपने इस वीडियो के अंदर सुना कि ये मुस्लिम बहन जो अब से पहले दूसरे मजहब को फॉलो करती थी, लेकिन जब इसने मजहब इस्लाम की हकीकत को जाना, मजहब इस्लाम को सही तरीके से पहचाना, तो मेरी बहनों और मेरे नौजवान साथियों, ज़रा आप अपनी ज़िंदगी उठा कर के देखिए। ख़ास तौर से वो बहनें जो गैर मुस्लिमों के नरगे में जा चुकी हैं, जो गैर मुस्लिमों से शादी करने के लिए तैयार हैं, जो गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं माँ बाप की मोहब्बत को छोड़ करके, बच्चों की मोहब्बतों को बालाए ताक रख करके वो गैरों के साथ जा रही हैं। ज़रा ईमान की हकीकत को जानिए कि जब ये ईमान से फिरी हुई थी ये लड़की, तो ये ईमान की दुश्मन थी, लेकिन आज जब अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल ने इस लड़की को ईमान की दौलत से सरफराज किया है, वो ईमान के जिस ईमान को अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बिन मांगे अता किया है, इस लड़की को ईमान की हकीकत मालूम हुई तो इसको ईमान की अहमियत का पता चला। ये आपको बता रही है, ये खुला पैगाम देती है ख़ास तौर से हमारे ईमान वाले बहन को और भाइयों को। तो मेरी बहनों, हम होश के नाखून लें और अपने ईमान की तहफ्फुज़ की हिफाजत करें, अपनी जान की, अपनी इज्जत की हिफाजत करें, अपने आबरू की हिफाजत करें, अपने वालिदैन की हिफाजत करें, अपने मजहब इस्लाम को बचाने की हर तरह से कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हर एक ईमान वाले बहन भाइयों को तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।